नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। आज मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि जो सीटेट का नोटिफिकेशन एक तरह से है वो आ चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा। ये नोटिफिकेशन आया है, अभी भी फॉर्म कब आएगा कब नहीं आएगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जो भी बच्चे नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि परीक्षा प्लस टीम द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि हर संडे में किसी ना किसी एग्ज़ाम का फ्री टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है और उस टेस्ट के जो विजेता होते हैं, मतलब फर्स्ट रैंकर होते हैं, उनको 1000 कैश प्राइज हमारे द्वारा दिया जाता है। तो इस संडे मतलब 17 जुलाई को आपका पीईटी का टेस्ट और यूबीपी कांस्टेबल का टेस्ट लाइव होगा। तो जिन्हें भी देना है वो परीक्षा प्लस ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें, वहाँ से आप टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए जब बात करते हैं हम लोग सीटेट की 2022 के, ये हर जानते हो कि आप लोग की एग्ज़ाम हर साल में दो बार होता ही होता है। पिछली बार भी जो दिसंबर वाला था, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इस बार भी ये नोटिस आ गया है कि सीटेट 2022 दिसंबर में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। नोटिस में दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ये कि आपको ये बता दूँ कि फॉर्म ये आपका वो कि फॉर्म आपका कब तक आएगा, सीटेट का जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन कब से फिल किया जाएगा। तो ऑनलाइन फिल जो होगा फॉर्म वो आपका ऑलमोस्ट सितंबर मान लो, ऑनलाइन जो होगा फॉर्म फिलिंग जो होगी वो आपकी कब से होगी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में मान सकते हैं कि होगी। और दिसंबर में कही दिया है कि एग्जाम होगा जो दिसंबर में आपका, मतलब कि आपका 20-22 दिसंबर के बाद, ठीक है, और जनवरी तक, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर भी बोल सकते हो, और एडमिट कार्ड भी आपका दिसंबर में एग्जाम के एक हफ्ता पहले, मतलब 1 वीक पहले आपका आ जाएगा। 1 वीक पहले आपका क्या आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जिन्हें भी सीटेट 2022 के लिए तैयारी करनी है भैया, मास्टर बनना है आपको प्राइमरी और जूनियर के लिए, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे स्टेट, किसी भी स्टेट में हो, सीटेट का स्कोर हर जगह मान्य होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसी भी स्टेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्राइम टीचर की एलिजिबिलिटी का मांगता है कि आप पास हो, तो उसके लिए आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप लोग परीक्षा प्लस टीम के द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है। अभी मैं डिटेल नोटिफिकेशन पे आऊंगा। इस बैच में आपको जो सीटेट का बैच है 2022 के लिए, इस बैच में आपको लाइव प्लस जो है रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। और सबसे खास बात जो बैच की है वो ये है कि इसमें आपको पर डे बेसिस पर प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस पर फोकस किया जाएगा। यहां पर आपको जितने भी क्लासेस हैं लाइव और रिकॉर्डेड के फॉर्म में होंगे, स्टडी नोट्स आपको सफिशियंट दिया जाएगा, किसी भी बाहर की जरूरत नहीं होगा आपको। टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा इसमें, और यहां पे जो देख रहे हो प्रैक्टिस जो होगा वो आपका सेक्शन वाइज होगा, जो भी आपके सेक्शन है, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, CDP, इन सब के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। और एकदम जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है, ऑनलाइन पैटर्न जो CBT मोड हुआ था, उसी मोड में आपका कराया जाएगा, और ये ऑनलाइन ही कराया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो आपका सीटेट का एक तरह से एग्जाम है, अगर आप प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले गए ना तो समझ लो कि आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसके लिए भी आपको एक कॉन्टिन्यूटी चाहिए, ठीक है, निरंतरता चाहिए, ताकि आप पढ़ सको उस चीज को, एक अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। तो भैया बस आप अगर कहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप हमसे जुड़ो, किसी से भी जुड़ो, लेकिन जुड़ो जरूर, ताकि आपके जीवन में एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी, ताकि आप उस एग्जाम को एक डेफिनेट टाइम में निकाल सकोगे। तो अभी नोटिस में क्या कहा गया है उसके बारे में जिक्र कर लेते हैं, और थोड़ा सा पैटर्न बता देंगे आपको कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। पहले हम लोग थोड़ा सा नोटिस को देख लेते हैं कि आखिर नोटिस में क्या कहा गया है। आ जाओ, नोटिस में बहुत कुछ नहीं कहा गया, नोटिस में तो बात की गई है पैसे की। भैया देखो, ये आपको फिगर इमेज जो है आपको क्लियर हो रहा होगा, नहीं तो थोड़ा सा ब्राइटनेस हम कम कर दे रहे हैं। यहां साफ साफ बोल रहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ
ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विल कंडक्ट इन 16th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब सीटेड इन सीबीटी मोड, मतलब जो पिछली बार हुआ था दिसंबर में, शुरुआत हुआ था लास्ट दिसंबर से और जनवरी तक आपका चला था, ठीक है, तो वो भी सीबीटी मोड था, कुछ जगह पेपर लीक भी हुआ था, सामने आया था, लेकिन फिर बाद में उसको अलग से कराया गया था, तो उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, सब फेयर मोड में होगा। और यहाँ पर कुछ टेक्निकली इशू आ जाते हैं, लीक की बात नहीं है, टेक्निकली इशू के वजह से हुआ था। और यहाँ पे बात किया जाए तो बोला है कि ये आपका जो भी होगा टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20th लैंग्वेज, 20 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा पूरा का पूरा ये, और इसका जितना भी डिटेल इंफॉर्मेशन है वो जल्द ही साइट पर शॉर्टली आपका अपडेट कर दिया जाएगा। और दिसंबर में ये बोला ना कि दिसंबर 2022 में इसका जो होगा एग्जाम कंडक्ट होगा, तो इतना जान के चलो कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी तक चलेगा ये, ठीक है। उसके बाद से थोड़ी सी फीस पर नजर डाल लें, तो देखो फीस पे नजर क्या है इस पे कि भैया देखो, अगर आप पहले पेपर या दूसरे पेपर कोई में से एक देना चाहते हो, ठीक है, या तो पहले के लिए अप्लाई करो या दूसरे के लिए, तो दोनों में से किसी एक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जनरल ओबीसी के लिए 1000 फीस रहेगी, अगर दोनों अप्लाई करना चाहते हो तो 1200 रुपया फीस रहेगी, ठीक है। और बाकी के लिए जो SC ST और आपके डिफरेंशिएबल पर्सन है उनके लिए 500 और 600 रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो बस इसमें जो नोटिस आया इसमें यही किया गया है, और जो आपका मैंने बोला कि फॉर्म का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा कब, सितंबर और अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें यहाँ पर थोड़ा सा आ जाओ कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, तो शॉर्ट फॉर्म में, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डिटेल में बताऊंगा, वही हमेशा चलता आया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तो भैया BTC हो, उसके बाद से DLED हो, ठीक है, या BEd हो, इनमें से कुछ भी हो, लेकिन फाइनल ईयर वाले भर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले और जो पास जो हो गए हैं, मतलब पास्ट कैंडिडेट हैं जो पास हो चुके हैं। ये कोई कहे कि सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूं चाहे सेकेंड सेमेस्टर में हूं, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है, थर्ड सेमेस्टर वाले, फोर्थ सेमेस्टर वाले, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में चले जाते हैं ना BEd चाहे DLED में, तो वो कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो आप अपने एजुकेशन के लास्ट ईयर में हो, अपियरिंग में हो, वो आपका मान्य होगा, फर्स्ट ईयर वाले हो भर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब उसके बेसिस पर आप एग्जाम देने जाओगे ना तो कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं सीटेड का फॉर्म, ठीक है, तो और पास तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि ये जो आपका पैटर्न क्या है, कि ये जो एग्जाम होता है दो मोड में होता है, एक तरह से ये CBT मोड होगा आपका ऑनलाइन, इसमें दो तरीके के एग्जाम होते हैं, एक आपका जो एग्जाम होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, इसके फायदे में भी बताऊंगा, और एक होता है आपका जूनियर लेवल पे, यहां 6 से लेकर 8 तक पढ़ाई मास्टर बनना है आपको, और यहां 1 से लेकर 5 तक वालों का मास्टर बनना है। तो इसमें जो आता है आपका CDP आएगा, 30 क्वेश्चन एकदम रहेगा, एकदम जनरल से, अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कर लिए ना तो एकदम इसमें कुछ भी नहीं है भैया, आराम से कर ले जाओगे। उसके बाद से जो दूसरी बात मैं बताऊं यहां पे, तो लैंग्वेज 1 कोई भी लैंग्वेज आप मान लो इंग्लिश ले लिए, उसके बाद से लैंग्वेज 2 जो आपका है वो 20 लैंग्वेज में से कोई भी ले सकते हो, मैक्सिमम लोग हिंदी या संस्कृत में से लेते हैं, तो लैंग्वेज 2 इसमें भी ये 15 क्वेश्चन आपका कोर रहता है और 15 पेडागोलॉजी से रहता है इसमें, ये ध्यान रखना। इसी तरह इसमें भी 15 कोर रहेगा, 15 पेडागोलॉजी से रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आपका आ जाएगा मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में भी 15 क्वेश्चन कोर रहेगा और 15 आपका पेडागोलॉजी वाला पोर्शन रहेगा। उसके बाद से EVS आ जाता है, एनवायरमेंट वाला, ये तो आप सिर्फ NCERT का पढ़ लो ना, जितना यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उतना अगर पढ़ लेते हो बैच में तो आपको उससे ज्यादा मेहनत करना ही नहीं है, और जितना प्रैक्टिस कराया जाए वो प्रैक्टिस कर लो, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। EVS में भी 15 क्वेश्चन ये और 15 आपके पेडागोलॉजी, तो ओवरऑल 150 क्वेश्चन होता है भैया, और 150 क्वेश्चन में आपको 90 जनरल के लिए
90 मार्क्स अगर आप ले देते हो तो आप क्वालिफाई हो, इसमें कोई मेरिटोरिट नहीं होता है कि आपका ये नंबर बाद में जुड़ेगा कि आप 150 में 150 लाओ 140 लाओ, ये इससे कोई मतलब नहीं। आप 90 नंबर ला दिए तो आप क्वालिफाई हो। और इससे पहला जो एग्जाम हुआ था जो 2021 वाला सीटेट का, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था, ये ध्यान रखना, कोई नॉर्मलाइजेशन होगा भी नहीं, ये ध्यान रखना, इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं हो क्योंकि ये क्वालिफाइंग है ना मार्क्स, इसका मेरिट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि 21 में नहीं हुआ था। और जो जूनियर लेवल है, जूनियर में भी सेम चीज है, सीडीपी आपकी 30 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद से लैंग्वेज वन आपका 15 क्वेश्चन ये, और 15 क्वेश्चन आपका पेडरोगी होगा। लैंग्वेज टू जो होगा वो 15 क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हो, 20 लैंग्वेज में से हिंदी संस्कृत मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, और 15 आपका पेडरोगी से होगा इसमें, ठीक है, पेडोलॉजी होगा। उसके बाद से यहाँ पर स्ट्रीम आ जाता है, आप किसके भी मास्टर बनना चाहते हैं, मैथ वाले ग्रुप के बनना चाहते हैं या साइंस सोशल साइंस वाले से, तो अगर मैथ साइंस स्ट्रीम के मास्टर बनना चाहते हैं तो मैथ और साइंस का, मैथ एंड साइंस दोनों मिलाकर आपसे 60 प्रश्न पूछा जाएगा, और इस 60 प्रश्न में 10 मैथ के, 10 आपके मैथ के पेडोलॉजी रहेगा इसमें, और 10 ही आपका इसी में साइंस का पेडोलॉजी रहेगा। तो ओवरऑल पेडोलॉजी के जो प्रश्न होंगे वो 20 होंगे, 10 आपके मैथ के, 10 उसके। तो ये हो गया मैथ वाला, और यहां हो गया सोशल साइंस एसएसटी। अब एसएसटी के भी 60 प्रश्न होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आप किसके, आप या तो मैथ्स या साइंस ग्रुप से भर दो, मतलब सॉल्व करो, या सोशल साइंस ग्रुप का, मतलब जिससे आपका वो होगा, जिसमें आप मास्टर बनना चाहते हो, ग्रेजुएशन की हो, अगर मैथ से हो तो उस हिसाब से कर लो, मैथ वाला ले लो, या सोशल साइंस से है तो सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इसके पेडोलॉजी के होते हैं, बाकी 40 क्वेश्चन आपका कोर होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये तो चीजें सेम रहेगी, इनमें से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो जिसका आप मास्टर बनना चाहते हो। तो भैया ये होता है आपका पैटर्न, एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में चलते चलते मैं बता दे रहा हूं कि भैया जो ये बैच हमारा है कि सीटेट 2022 के लिए आज से ही बैच लॉन्च किया जा रहा है परीक्षा प्लस टीम के द्वारा, और इस बैच की जो एकदम हमारा जो क्वालिटी रहा है कि हम हर एक बैच में अपना जो गुणवत्ता है वो पूरा देते हैं, तो उच्चतम गुणवत्ता के साथ 399 रुपये मात्र एक ये निशुल्क बैच मान सकते हो इसको, ये निशुल्क बैच है। ये मुझे प्राइस इसलिए लेना पड़ता है कि आपका 299 से ऊपर आपका प्लस जीएसटी लगकर क्या चला जाता है, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज, मतलब मेरे एक अमेजन का सर्वर है उसको लेके चला जाता है, तो वही ये प्राइस है 399 रुपये में आपको ये पूरा बैच है। इस बैच में आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट आपको दिया जाएगा, और सेक्शनल प्रैक्टिस कराया जाएगा, सेक्शनल प्रैक्टिस कराया जाएगा, धुआंधार प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस ही आपको क्या बोला जाता है, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो वही आपको परफेक्ट बनाना है, ये ध्यान दीजिएगा, बस 399 का है। इनरोल्ड कैसे करना है भैया, तो इनरोल्ड आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, और आप कोर्सेस में जाओ, और वहीं पे आपको सीटेट 2022 का कोर्स दिखेगा, उसे आप प्राइस पे करके इनरोल कर लोगे और आपका एडमिशन हो जाएगा उसमें। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो 9450006007 और 9129697080 पर आप कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू इस बैच के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हो। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आपको है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हो, जो भी आगे सीटेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएगा, और सीटेट की तैयारी आपको कैसे स्टार्ट करनी है उसको भी लेकर हम एक वीडियो लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज रणनीति भी बताएंगे आपको कि हर सब्जेक्ट में कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप पूरे के पूरे 30 प्रश्न में आप कैसे 25 प्लस कर सकते हैं, इन सब चीजों की वीडियो आएगी। इसी के साथ मैं आप सभी के से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।